नमस्कार मित्रों, कल्कि जिसे कल्किन भी कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। कलि युग को समाप्त करने के लिए उनके आने का वर्णन किया गया है। कलि युग हिंदू धर्म में 4 युगों में से चौथा और सबसे खराब युग है, और ये युग एक साइकिल की तरह चलते हैं, जैसा कि 4 युग हैं, कृत यानी सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। साइकिल भी इसी तरह चलती है। कलि युग के पहले द्वापर था और कलि युग के बाद सत्य युग आएगा, और ऐसे ही ये युग की साइकिल चलती रहेगी। पुराणों में कल्कि को ऐसे अवतार के रूप में बताया गया है जो अधर्म को दूर करने के लिए अंधेरे और विनाशकारी काल को समाप्त करके अस्तित्व को फिर से जीवंत करता है, और एक उग्र तलवार के साथ सफेद घोड़े पर सवार होकर सत्य युग की शुरुआत करता है। कई पुराणों में कल्कि के बारे में डिटेल्स अलग अलग हैं। कल्कि का उल्लेख तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलता है। उदाहरण के लिए तिब्बतन बुद्धिस्ट के काल चक्र तंत्र में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी तो सिख टेक्स्ट में भी बताई गई है। कल्कि नाम काल से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टाइम यानी समय। कल्कि विष्णु के अवतार है। अवतार यानी उतरना। गरुड़ पुराण में 10 अवतारों की लिस्ट है। मत्स्या, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्धा और कल्कि। इसमें कल्कि 10वें अवतार हैं। उन्हें कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले अवतार के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। वे समय के एक नए चक्र को फिर से शुरू करते हैं। पुराण में उनका वर्णन एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में किया गया है। कल्कि पहली बार महाभारत में दिखाई देते हैं। महाभारत हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाकाव्य रामायण है। कल्कि पुराण नामक एक माइनर टेक्स्ट है, जो कि हाल ही का एक टेक्स्ट है, जिसकी रचना संभवतः बंगाल में हुई है। वेंडी डोनेगर ने कल्कि पुराण वाली कल्कि माइथोलॉजी की डेट 1500 से 1700 सी के बीच की बताई है। कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग कल्कि का जन्म शुक्ल पक्ष के 13वें दिन शंबाला नाम के एक गांव में कुष्मा और मदन के परिवार में हुआ है। कल्कि के 3 बड़े भाई होंगे, जिनके नाम कवि, प्रज्ञ और सुमंत्र होंगे, जो वीर योद्धा होंगे। कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, जिनका नाम पद्मावती और रमा होगा। कल्कि के टोटल 4 बच्चे होंगे, 2 पद्मा से और 2 रमा से। पद्मावती जय विजया को जन्म देगी और रमा मेघमाला और बालाहका को। छोटी उम्र में उन्हें परशुराम, जो कि विष्णु के 6 अवतार है, उनकी देखरेख में धर्म, कर्म, अर्थ, ज्ञान और सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषयों पर पवित्र ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। जल्द ही कल्कि शिव की पूजा करते हैं और बदले में शिव उन्हें देवदत्त नामक एक दिव्य सफेद घोड़ा देते हैं। वैसे देवदत्त गरुड़ का ही एक रूप होता है, और गरुड़, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है, एक शक्तिशाली तलवार भी देते हैं, जिसके हैंडल रत्नों से सजाए गए हैं, और एक शुका नाम का तोता, जो कि सब कुछ जानता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी। वे एक दुष्ट सेना से लड़ते हैं और कई युद्धों में बुराई को समाप्त करते हैं, लेकिन वे अस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं। फिर कल्कि शंबाला लौट आते हैं और अच्छे के लिए एक नए युग का उद्घाटन करते हैं, और फिर वे वैकुंठ चले जाते हैं। अग्नि पुराण के चैप्टर 16 में कल्कि की भूमिका का वर्णन किया गया है, जो कि कुछ इस तरह है। कल्कि इज द सन ऑफ मदन एंड हैविंग विष्णु एज द प्रीस्ट वुड डिस्ट्रॉय द नॉन आर्यंस होल्डिंग द अस्त्र एंड हैविंग अ वेपन। ही वुड एस्टेब्लिश मोरल लॉ इन फोर फोल्ड वर्णास इन द सूटेबल मैनर। द पीपल वुड बी इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। देवी भागवत पुराण के चैप्टर 5 में देवता विष्णु की स्तुति करते हुए उनके कल्कि अवतार का स्मरण करते हैं। When almost all the persons in this world will turn out in the future as mlekas, and when the weak kings will oppress them, right and left, thou wilt then incarnate thyself again as Kalki and rid us all the grievances. We bow down to thy Kalki form, O Deva. Buddhist texts काल चक्र तंत्र में समूह में रहने वाले धर्मी राजाओं को कल्कि या सरदार कहा जाता है। इस टेक्स्ट में कई कल्कि हैं, जो बर्बरता, उत्पीड़न और अराजकता से लड़ रहे हैं। अंतिम कल्कि को रुद्र केकरिन कहा गया है, और भविष्यवाणी की गई है कि वो बर्बरता सेना को खत्म करने के लिए एक बड़ी सेना को एकजुट करके अराजकता को समाप्त करेंगे। टेक्स्ट में कहा गया है कि एक महान युद्ध जिसमें हिंदू और बुद्धिस्ट की एक सेना एकजुट होगी और बर्बर सेना को नष्ट कर देगी। कल्कि अवतार हिस्टोरिक सिख टेक्स्ट में भी दिखाई देता है, विशेष रूप से दशम ग्रंथ में 24 अवतार सेक्शन में ऋषि मत्स्येन्द्रा का उल्लेख है, जो बुराई, लालच, हिंसा और अज्ञानता से लड़ने के लिए विष्णु अवतारों का वर्णन करते हैं। इसमें कल्कि को धर्म और अधर्म की ताकतों के बीच युद्ध का नेतृत्व करने वाले 24वें अवतार के रूप में बताया गया है। वैसे सिख धर्म विष्णु के 24 अवतार मानते हैं। मच्छ, कच्छ, नर, नारायण, महामोहिनी, बेरा, नरसिंह, बामन, परशुराम, ब्रह्मा, रुद्र, जालंधर, भीषण, शेषी, परिहंत देव, मनुराजा, धन्वंतरी, सूरज, चंद्र, राम, किशन, नर, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवतार का पुराणों में तो लिखा गया है, लेकिन वैदिक लिटरेचर में कल्कि का कोई उल्लेख नहीं है। कल्कि के अवतार के बारे में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण जैसे महापुराणों में बताया गया है। साइकिल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में कलियुग 4,32,000 ईयर्स तक चलने का एक अनुमान है। कल्कि का वर्णन मनुस्क्रिप्ट के अनुसार बदलता रहता है। कुछ का कहना है कि कल्कि का जन्म अवेत्सर डेनी और बिशन जून से होगा। दूसरों का कहना है कि उनका जन्म सुमति और विष्णु यश के परिवार में होगा। बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट में विष्णु यश को शंबला नामक गाँव के एक प्रमुख मुखिया के रूप में बताया गया है। मतलब बात जब फ्यूचर की आए और अपने को पता चले कि ये होने वाला है, तो कुछ इस तरह के अजीबोगरीब केसेस भी देखने को मिलते हैं।
चुके हैं, जैसा कि कल्कि अवतार के बारे में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में सुन के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ही कल्कि हूँ, जिसे अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर मिर्जा गुलाम अहमद ने कल्कि अवतार होने का दावा किया। दूसरे है कल्कि भगवान विजय कुमार नायडू, वे वन नेस यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। इसे बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि मैं ही कल्कि हूँ, है ना अजीब सी बात। तो ये थी कुछ जानकारी कल्कि अवतार के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।